नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चिल ब्रेन टेक में। तो आज हम देखेंगे 3D एंट्रो कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि 3D एंट्रो कैसे बनाए, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से एंट्रो के बाद। अभी आपने जो एंट्रो देखा वो मैंने मोबाइल से क्रिएट किया है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यार 3D एंट्रो कैसे बनाते हैं, 3D एंट्रो कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 3D एंट्रो कैसे बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे google.com पे जाएंगे और वहाँ पे पेनड्रॉइड से एक 3D एंट्रो बना के लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ google.com, पर ये जो मैं 3D एंट्रो बना रहा हूँ मोबाइल से बना रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से बनाओगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा, और कंप्यूटर से बनाओगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा, और कम से कम एक मिनट में कंप्यूटर पे आपका एंट्रो रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं ये ट्यूटोरियल आपको मोबाइल में ही दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे पेनड्रॉइड पे हम सर्च कर लेते हैं। ये पहली लिंक जो दिखाई दे रही है ये क्लिक करें हैं। प्ले आपको यहाँ पे ये लिंक ओपन करनी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे क्लिप मेकर पे दबा देना है। ये देखो, फिर बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, इस बटन पे क्लिक करके आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाने के बाद मोर क्रिएशंस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च पर दबा देना है, और यहाँ पे गोल्डन येलो डाल देना है। आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, आपकी पसंद के अनुसार एंट्रो ले सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और बाद में यहाँ पे गोल्डन येलो जो एंट्रो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे जो गोल्डन येलो कलर का जो एंट्रो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे ले लेते हैं। और बाद में फिर से आपको यहाँ पे ओपन इन क्लिप मेकर पे दबा देना है। फिर बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे लोड करेगा एक दो मिनट। और ये लोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे जो डिब्बा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये इंट्रो चल रहा है हमारा। और ये देखिए, यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और यहाँ पे दो टेक्स्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपका पहला जो ऊपर वाला नाम है वो यहाँ पे डाल देना है, योर की जगह आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चिल, और बाद में यहाँ पे ब्रेन डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो टॉप पे जो इंट्रो दिखाई दे रहा है, मतलब टॉप पे जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये दो बार डालना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार डालोगे तो इंट्रो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट थोड़ी लैग चल रही है। यहाँ पे गो पर दबा देना है, और बाद में नीचे एक और ये और दिखाई देगा, यहाँ पे भी चिल ब्रेन डाल देना है, मतलब आपका जो नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और बाद में यहाँ पे फिर से चिल ब्रेन डाल देते हैं। ठीक है, कभी कभी कैपिटल में डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो स्मॉल लेटर जो है सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली आपको नीचे एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और बाद में यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, मतलब टेक्स्ट पे जो नीचे वाला नाम है वो डाल देना है आपको। और यहाँ पर हम टेक डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो टेक्नोलॉजी का चैनल है, इसलिए हम यहाँ पर टेक डाल देते हैं। और यहाँ पर नीचे फिर एक बार यहाँ पर टेक डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो दो टाइप का है, इसलिए पीछे वाला एक टेक और आगे वाला एक टेक, इसलिए दो बार टेक डालेंगे। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इतना डिटेल में बताना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे आप साइज़ भी कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एंट्रो रेडी है हमारा। देखिए, ऊपर जो विंडो है वहाँ पर हमारा एंट्रो प्ले हो रहा है। तो चिल ब्रेन की हम क्या कर देते हैं, साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मतलब थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए हम इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं। और दूसरे की भी साइज़ हम कम कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा, इसलिए दोनों की साइज़ हम कम कर देते हैं। और ये होने के बाद आपका एंट्रो रेडी है। वो देखिए, ऊपर छोटी स्क्रीन में हमारा एंट्रो दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, मतलब और यहाँ पर थ्री लाइन पे दबा कर आप भी नीचे ले सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके भी नीचे ले सकते हैं। और यहाँ पर हम डाउनलोड पे आ जाते हैं, और स्टार्ट वीडियो रेंडर पे दबा देते हैं। फिर बाद में कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ पे ओके दबा देना है,
और बाद में इसे 10 से 15 मिनट मोबाइल से लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बाद में हम डाउनलोड होने के बाद क्या करेंगे, फिर बाद में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन लेनी है, उसका नाम है MKV to MP4 कन्वर्टर। क्योंकि हमारा जो वीडियो है MKV फाइल में है, इसलिए हम उसे MP4 में कन्वर्ट कर देते हैं। MKV फाइल जो है वो मोबाइल में नहीं चलती, इसलिए हम उसे MP4 में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर बाद में हमारा वीडियो जो है वो स्मूथली चलने लगेगा। क्योंकि MKV जो फाइल है वो मोबाइल में नहीं चलती, इसलिए हम उसे MP4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डाउनलोड की हुई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे एलो पे दबा देना है और फिर बाद में नीचे सिलेक्ट MKV फाइल यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फाइल ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमने जो एंड्रो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो वीडियो 1.mkv, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू MP4 ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और फिर बाद में हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, MP4 डाल देता हूँ यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे ट्रांसकोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, इससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो अनसपोर्टेड है वो सपोर्टेड बन जाता है, और उसे हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।